पेपर के अंदर ऑर्डर का कॉपी नहीं आती है, ऑर्डर का भी आ गया है तो आप ले आओ सर के पास है। तो भाई इसमें शासकीय संदेह शासन जानकारी देता नहीं है, नगरपालिका में लड़ रहा हूँ साहब से, एक साल का जानकारी दे रहा है जानकारी देते ही नहीं। आपको किसी पता है हाईकोर्ट ने आदेश दिया? मैं उसमें मालूम है तो मालूम ऐसे थोड़ी ना होगा, 36 साल से इसमें लड़ रहा हूँ। तो आप हमें आदेश ही काफी दे दो ना निकलवा के कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया बुलडोजर चलाने का। आपको आदेश नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आप पार्टी है उसमें सर, आप पार्टी है उसमें, हम पार्टी तो ये चल रहा है ना सर, आप जीते हैं आप जो बात कह रहे हो बुलडोजर चलाने का आदेश हाईकोर्ट ने हमारा हमें आदेश काफी दे दी है। काफी नगर पालिका के पास है आपके बारे में, सूचना के पास है, सूचना के पास मिल जाता है ये देखा ना, सूचने का अधिकार लिए बेटा था। एक साल से दो चप्पल घिसाते मेरी कोई सूचना नहीं दे रहा, जानकारी देते नहीं, जानकारी गायब कर दी मैंने, फाइल चाहिए भी देखे फाइल पास दे गया हूँ मैं, ये भी शिकायत दे रहा हूँ कि उन्होंने रिकॉर्ड से फाइल भी जानकारी भी गायब कर दी, ये भी शिकायत कर रहा हूँ। मतलब जनता सब करेगी कुछ नहीं कर रहा है, आप नगर पालिका से पूछो, नगर पालिका जीते दस्तावेज दीजिए, दस्तावेज शासन के पास खुद उपलब्ध है। क्यों आप किस बेस पे आप आरोप लगा रहे हैं? जानकारी फाइल से रिकॉर्ड चोरी हो जाते हैं, आपको देता हूँ जी। मैं आज जनसुनवाई में आया था जी, SDM साहब को मैंने कृष्णाजली व्यक्ति की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 438/17/3 के संबंध में एक ज्ञापन दिया और मैंने उनसे निवेदन किया कि यहाँ जो ओम प्रकाश ओझा है ये लक्कड़दास मंदिर के सामने पीछे की साइड में इधर उसके सामने से पीछे 7-8 दुकानें बनाई, कंप्लीट पक्की बनाई और उसकी शिकायत है सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तक गई। तो सेशन कोर्ट से भी वो हार गए, सिविल से भी हार गए हैं और हाईकोर्ट से भी 18 जनवरी 2024 को उनके खिलाफ फैसला हो गया। और ये प्रशासन और ये सरकार जहाँ एक गरीब लोगों को, बेगुनाह लोगों को जिनके ऊपर इनको एक तीर निकालने का पावर नहीं है वहाँ ये बुलडोजर चलाने जाते हैं और यहाँ इनसे इनका राखी तारा चल गया है। 17 बीघा 3 बिस्वा जमीन सरकारी हो चुकी है, उसकी कबूलियत तेज हो चुकी है, लेकिन ये निकम्मा प्रशासन ये आज तक 6 महीने हो गए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और वो अंदर अंदर अभी भी काम कर रहा है, वजह परिवार के लोग उस सरकारी भूमि के ऊपर उसी के ऊपर। अब सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा, पूरे सत्ता का उपयोग कर रहा है वो, ये गरीब आदमी का तो झोपड़े पे बुलडोजर चल जाते हैं, लेकिन ये धन्ना सेठ है, पैसे वाले हैं, सत्ता के दलाल है, इसलिए इनके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं। मैंने ज्ञापन दिया तो ये SDM साहब भी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये बोल रहे हैं फैसले की कापी लाओ। मैंने कहा फैसले में आप उसमें पक्ष है, नगर पालिका पक्ष है, जीते हो, तुम्हारे पास कॉपी है, बोले आपको लाना पड़ेगी, ये उल्टा चलते हैं, इनको काम नहीं करना मतलब बहाने कुछ सत्ता के दलालों की इनको जी उजूरी करना और उनको सलूट मारना, इसलिए ये प्रशासन भ्रष्ट निकम्मा नाकाम प्रशासन है, शासकीय भूमियों की अनदेखी कर रहा है। दूसरा एक और मैटर है, मैंने एक नगर पालिका के खिलाफ ज्ञापन दिया, नगर पालिका में सूचना के अधिकार में जानकारी आप मांगो 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं, अपील कर दो, अपीलों के आदेश को भी नहीं मानते हैं। मेरी एक अपील 2 साल तक चल रही थी, उसमें आदेश हुआ कि इनको फ्री ऑफ चार्ज में जानकारी दें,
तो ये नीलेश पंचोली जो अधिकृत है उसने फाइल से रिकॉर्ड ही गायब कर दिया जो मैं चाहता था, वो रिकॉर्ड है ही नहीं उसमें। मैंने उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया है, यहाँ भी दिया है, नगर पालिका में भी दिया है, कोर्ट भी जा रहा हूँ मैं। नीलेश पंचोली अधिकृत है सूचना के अधिकार की जानकारी देने के लिए, लेकिन फाइलों से रिकॉर्ड चोरी कर रहा है वहाँ।